केंद्र सरकार द्वारा किसानों को पेंशन देने की घोषणा के बाद किसानों का विरोध भी शुरू हो गया है। हरियाणा के चरखी दादरी में योजना को धरातल पर लागू करने से पहले ही किसानों ने प्रधानमंत्री को 17 रुपए के चेक वापस भेजकर विरोध जताते हुए पेंशन राशि को नाकाफी बताया है। किसान कांग्रेस के नेशनल ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर राजू मान के अगुवाई में किसानों ने एकजुट होकर कहा कि पहले सरकार उनके कर्ज माफी करे और बर्बाद फसलों का मुआवजा दे, फिर पेंशन योजना को बढ़ाकर किसानों को दे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, यदि सरकार नहीं करती तो किसान कांग्रेस आगामी दिनों में किसानों को साथ लेकर बड़ा आंदोलन करेगी। सरकार ने जो अभी जो अंतरिम बजट की जो घोषणा की है उसमें किसानों को 6000 रुपए जो प्रतिवार्षिक देने का जो फैसला किया किसान सम्मान निधि के तौर पे, उसको लेके किसान बेहद आक्रोशित है। एक तरीके से किसानों का सम्मान नहीं, अपमान है, क्योंकि 17 रुपये प्रतिदिन का उनको सम्मान देने की बात सरकार कर रही है और 17 रुपये में एक जो परिवार जिसको वो इकाई मान रहे हैं एक बार की चाय भी नहीं बन सकती। तो 17 रुपये के ये जो किसान इसको लेके जो आक्रोशित है, ये सभी एक दिन का जो 17 रुपये हैं उनको चेक और ड्राफ्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री को वापस भेज रहे हैं। पिछले जो लोकसभा चुनाव थे उसमें भाजपा के नेताओं ने बड़े बड़े वायदे किए थे, जिसमें किसान को उसकी फसल का दुगना लाभ देने के लिए स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी, उसका जो समर्थन मूल्य है कि उसकी फसल का एक एक दाना हम निर्धारित समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे, चाहे उसकी बात थी। उन तमाम वायदों को दरकिनार करके अब जब चुनावी जो वर्ष है उसमें सिर्फ ये कि चुनावी जुमला उन्होंने छोड़ा है और इसको लेके किसान है वो बेहद गुस्से में है। सबको साथ लेके और सबका विकास करने बात करती है और ये जाति में बांट के सिर्फ राज करना जानते हैं। किसान कांग्रेस पूरे देश में मुहिम चला रही है और इसके खिलाफ, ताकि लोग जागृत हों अपने अधिकारों को लेके, अपने जो उनके जो मांगे हैं उनको लेके, पूरी तरह से किसान कांग्रेस उनके साथ खड़ी है।